चलिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की चर्चा तो सरकार पिछले कई दिनों से कर रही थी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर महंगा करके उसने लोगों को खासा झटका दे दिया है। रसोई गैस के दाम 50 रूपये बढ़ने से गृहिणियां परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी के महंगे हो जाने के बाद वो अपने बजट को कैसे काबू में रखेंगी। मुंबई के कुछ गृहिणी से बात की हमारे संवाददाता केतन वैद्य ने। मुंबई में गैस 350 रुपए हो गई है और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं महिलाओं की चौपाल। जी हां, मुंबई की गृहिणियां, मुंबई की महिलाओं को इसके बारे में क्या कहना है। हम इस वक्त कालिंदी तिवारी जी के घर में हैं और उनकी जो प्याज है वो 14 रुपए किलो में आती है, आलू 14 रुपए किलो में आता है, लहसुन 40 रुपए किलो में आता है, नारियल 10 रुपए का है और आम, हापुस आम उनका पसंदीदा फल जो है वो 200 रुपए में आता है। जाहिर सी बात है कि महंगाई की टीस लेकिन सबसे ज्यादा छू गई है इस सिलेंडर को, इस गैस सिलेंडर को। जो 15.5 किलो का सिलेंडर है वो अब 350 रुपए में मिलेगा। और हम बताना चाहेंगे कि कालिंदी जी के घर में आज स्वादिष्ट पाव भाजी बनी है। पाव भाजी में कई तरह की सब्जियां डलती है, लेकिन शायद उनसे बात करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि ऐसी पाव भाजी अब कम ही बनेगी। कालिंदी जी, पाव भाजी आज बनी है लेकिन ऐसी मुंह में पानी लाने वाली पाव भाजी शायद कम ही बने अब गैस के दाम देखते हुए। चिंता से, टेंशन से इस तरफ का उस तरफ करके खरीदी करनी पड़ती, इधर का बचत करते हैं तो तेल लाते हैं, उधर से बचाव करते हैं तो चावल दाल लेते हैं और गैस लेना ही पड़ता है। बनेगा कैसा खाना, मतलब कहीं न कहीं एडजस्ट करके दूसरा काम करना पड़ता है। फ्री होके हम कुछ नहीं कर पाते हैं। महंगाई ने आपके बजट पर क्या असर डाला है? महंगाई ने हमारे ऊपर तो बहुत ही असर डाला है, क्योंकि अनाज राशन पानी तो महंगा था ही और अभी देखा जाए तो अभी गैस का सिलेंडर का भी दाम बढ़ रहा है, तो ये हम लोग नहीं इतना कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज की कमी होगी तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जब ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो महिलाओं के लिए काफी दिक्कत आएगी। यहाँ जो गृहिणियां बात कर रही थी, यही पता चला कि होटल महंगा हुआ है इसलिए घर में पाव भाजी बनाने की कोशिश है, लेकिन घर में भी खाना बनाना महंगा हो गया है, दुभर हो गया है और अब गैस ने आग में एक तरीके से तेल डालने का ही काम किया है। मुंबई में कैमरामैन दीपक पीएन के साथ केतन वैद्य, एनडीटीवी इंडिया के लिए।